अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अदनान सईद। 10th क्लास हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टोटल 9 स्टेप्स देखे और लास्ट स्टेप में मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल बताई कि व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन। आज हमने जो 4th स्टेप में ड्रॉ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, उन्हीं दोनों स्टेप्स को डिटेल से देखना है। सबसे पहले आज एल्गोरिदम को देखते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क, कि अगर हम लोग महदूद स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये बात तो क्लियर हो गई कि एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए यानी कि महदूद होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप वन, स्टेप टू, यानी जिस तरह से हम लोग एक टू डू लिस्ट लिखते हैं कि जिसमें हम लोगों ने सारा बताना होता है कि हमने ये काम पहले करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे और इन द एंड हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे पहले भी एक एल्गोरिदम की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, आप बेशक वो लिख दें या ये लिख दें, लेकिन ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एल्गोरिदम, तो इसका आप लिखेंगे टू डू लिस्ट, या एक एल्गोरिदम को के अंदर कौन सी तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो तीन क्वालिटीज़ ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्लियर, फाइनाइट एंड अफेक्टिव, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तब भी आपका आंसर एल्गोरिदम ही होगा। ये वो MCQs हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हुए हैं। स्टूडेंट्स अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं एल्गोरिदम की, कि अगर आपको कहा जाए कि आपने केक जो है वो बेक करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि आप हीट द ओवन टू 325°F, उसके बाद आप उसके सारे ग्रेडियंट्स जो हैं जैसे कि बाउल हो गया, फ्लोर हो गया, उसके बाद बटर, शुगर, मिल्क एंड एग्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को गैदर कर लेंगे, मिक्स करेंगे तीसरे स्टेप में, उस सब को एक बेकिंग पैन के अंदर रख देंगे, और उसके बाद जब उसको बेक करेंगे 50 मिनट के लिए, आपके पास केक जो है वो रेडी हो जाएगा। 6th स्टेप में आप उसे और 5 मिनट के लिए बेक करेंगे, जब तक आपका टच करने के सेंटर पे टच करने से आपसे पता चले नहीं भी अब केक जो है वो बेक हो चुका हुआ है, उसको ठंडा करेंगे और कट कर देंगे। ये एक पूरा हमारे पास एल्गोरिदम आ गया केक को बनाने का। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि भाई चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपके पास जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, पुट द टी लीफ इन अ पॉट, बॉयल द वाटर, एड अ वाटर टू द पॉट। 5th स्टेप में आप करेंगे वेट फॉर 5 मिनट, पोर टी इनटू द कप। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग एक चाय बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम जो है, अगर मैं एक एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ फॉर अ फार्मूला और अ कंपैरिजन, तो उन दोनों केसेस में हम लोग उस एल्गोरिदम को कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स एल्गोरिदम की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करें, और ये जो दो एल्गोरिदम मैंने अभी आपको बताए हैं, केक बनाने का और टी बनाने का, इन दोनों को अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।